हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकार्यवाद का संपूर्ण लेसन। इससे पहले हमने बीए फिफ्थ सेम के दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रत्यक्षवाद और उद्विकास। उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम इसमें प्रकार्यवाद का पूरा लेसन पढ़ेंगे बिल्कुल डीप में, और इसको इमाइल दुर्खीम द्वारा दिया गया है। आइए पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हर्बर्ट स्पेंसर एंड दुर्खीम को प्रकार्यवादी माना जाता है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जैसे समाज की तुलना जो है वो मानव शरीर से की है। जैसे समाज में विभिन्न इकाइयाँ होती है और मानव शरीर में भी विभिन्न अंगों के द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे आँखों का काम होता है देखना, कानों का काम सुनना। इस प्रकार से उन्होंने समाज की तुलना जो है वो मानव से की है। वैसे ही समाज का निर्माण भी विभिन्न इकाइयों द्वारा हुआ है, जैसे धर्म, शिक्षा, समुदाय अपनी अपनी जगह पर स्टेबल रहती है और ये सभी अपना अपना कार्य करती है। समाज में भी संतुलन पाया जाता है, ये प्रकार्यवादी जो भी लेखक है सभी कहते हैं। दुर्खीम फ्रांस के रहने वाले थे, क्योंकि ये प्रकार्यवाद में हम दुर्खीम के बारे में पढ़ेंगे, तो वो फ्रांस के रहने वाले थे और वो मोस्ट पॉपुलर थिंकर हैं। अगस्त कॉम के बाद इनू का इनाम समाजशास्त्र में बहुत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये जो भी है समाज को ही सब कुछ मानते थे। इनका एक कथन है कि व्यक्ति सोसाइटी में कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन सोसाइटी व्यक्ति में चेंज कर सकती है, क्योंकि व्यक्ति को जो है वो बाध्य होना पड़ता है धर्म के लिए, शिक्षा के लिए, विवाह के लिए। जैसे समाज में सबके अपने अपने अलग नियम होते हैं, उनके द्वारा उन्हें कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे प्रकार्यवाद के बारे में शुरू से, बिल्कुल पैराग्राफ से। समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है, इसके अंतर्गत अनेक इकाइयां, भाग, अंग, तत्व होते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि समाज का जो निर्माण है वो अनेक इकाइयों, तत्वों, भाग, अंग के द्वारा किया जाता है, और इनसे ये आशा की जाती है कि वे समाज व्यवस्था व संगठन को बनाए रखने के लिए कुछ निश्चित प्रकारों को करेंगे। परंतु समाज की कुछ इकाइयां तत्व आशा के विपरीत भी कार्य करते हैं। इसका उदाहरण ये है कि जैसे समाज में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे लोग अपना कार्य करके सफल हो जाते हैं, बुरे लोग कुछ अपराध करके जेल चले जाते हैं। तो इसका एक बेस्ट उदाहरण है। ये इकाइयां तत्व प्रकार्य ही करते हैं, पर ऐसा कार्य करते हैं जो सामाजिक व्यवस्था संगठन को ठेस पहुंचाने वाले कार्य होते हैं, अर्थात उनके कार्यों के द्वारा समाज व्यवस्था या संगठन कुछ ना कुछ जाता है। ऐसे कार्यों को अकार्य कहते हैं। इसमें जो बताया गया है, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रकार्यवाद और अकार्यवाद में क्या अंतर है। प्रकार्यवाद में समाज में व्यक्तियों से ये आशा की जाती है कि वो समाज के अनुसार या समाज के लिए कार्य करेंगे, लेकिन अकार्यवाद में इसके विपरीत होता है। वो अपराध करते हैं और जो भी कुछ है वो समाज के विपरीत करते हैं, इसके बावजूद भी समाज में संतुलन बना रहता है। स्वाभाविक समानता पर आधारित एक सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि समाज एक ऐसी संगठित एवं महात्मा अनुकरण व्यवस्था है जिसमें विरोधी परिवेश की स्थिति भी संतुलन बना रहता है। इसमें यही है कि प्रकार्यवाद और अकार्यवाद के होने के बावजूद भी समाज में संतुलन जो है वो बना रहता है। समाज को जीवंत रखने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसकी विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का आपस में रूप में तालमेल हो। प्रकार्यवाद का प्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि समाज आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक प्रक्रिया, प्रथा कोई ना कोई प्रकार्य अदा करती है जो समाज की ज़रूरतों को पूरा करती है। इसमें यह बताया गया है कि प्रकार्यवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि समाज जो है वो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है एवं उसके कार्यों के होने वाले संपूर्ण में अपना योगदान कैसे देता है। सामाजिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं आदि को निरंतर गतिशील सामाजिक प्रति किए गए योगदान के रूप में देखा जाता है। इसमें यही है कि योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए समाज के प्रति जो भी व्यक्ति कार्य करता है। कुछ भी रहा हो, वे जब तक जीवित रहती है तब तक वे समाज के लिए कुछ ना कुछ महत्व व भूमिका अदा करती रहती है।
इसमें जो भी परंपराएं प्रथाओं आदि हैं वो समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर करती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्रकर्यवाद का उद्भव कब हुआ? इसके बारे में तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु विद्वानों जितने भी विद्वान हैं में इस बारे में सहमति आवश्यक है कि प्रकर्यवाद उपयोगितावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप 19वीं शताब्दी में हुआ है। इसका जो उद्भव है उसके बारे में निश्चित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इसका विकास जो है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है। 19वीं शताब्दी में अगस्त कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया है, जिन्होंने मानव समाज तथा जैविक समाज की कार्यप्रणाली में काफ़ी समानता देखी है, किंतु इसे व्यक्तिगत एवं वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयोग किए गए मार्क दुर्खिम ने किया है। इसमें बताया गया है कि इसका प्रयोग इमाइल दुर्खिम से पहले हर्बर्ट स्पेंसर और अगस्त कॉम्ट ने किया था, लेकिन जो इसमें वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयोग किया है वो इमाल दुर्खिम द्वारा किया गया है। दुर्खिम ने स्वाभाविक समानता, दुर्खिम ने प्रकार्य संबंधी अपने विचारों को पूर्णता समानता की अवधारणा पर आधारित नहीं किया है, और ना ही उन्होंने प्रकार्य की अवधारणा को लक्ष्य या परियोजना के अर्थ में प्रयोग किया है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक घटनाओं अस्तित्व उन लाभ परिणामों पर निर्भर नहीं करता जिन्हें वे पैदा करती हैं। दुर्खिम ने कहा है कि सामाजिक जो घटनाएं होती है वो उसके लाभ पर ही आधारित नहीं होती हैं, किसमें व्यक्ति का जो लाभ होगा उसी पर ही वो आधारित होगी। नेक्स्ट है, दुर्खिम के प्रकार्यवादी विचारों के अंतर्गत समाजशास्त्र जगत में फैलाने का श्रेय वास्तविकता में दो प्रसिद्ध ब्रिटिश मानव वैज्ञानिकों ब्रुसनील मेलिस्कोने की A.R. रेडलिफ ब्राउन को जाता है। इसमें जो दुर्खिम ने दिया गया है प्रकार्यवाद, इसको जो फैलाने का श्रेय है मतलब आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो दो को जाता है, ब्रिटिश जो दो लेखक थे मेलिनोनेस की और A.R. रेडलिफ ब्राउन को जाता है। इन मानव वैज्ञानिकों ने बात पर बल दिया कि सामाजिक संस्कृति तत्वों का अध्ययन संपूर्ण सामाजिक संस्कृति के संबंध में किया जाना चाहिए। उनके अनुसार प्रत्येक सामाजिक संस्कृति तत्व में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार होते हैं और उसके साथ साथ ही ये तत्व प्रकार्यवाद आवश्यकताओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपने अपने जीवन के लिए संपूर्ण व्यवस्था पर आश्रित होते हैं। इसमें यही है कि व्यक्तियों के द्वारा जो आवश्यकता होती है वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे पर जुड़े होते हैं। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिकों के अध्ययन का यही दृष्टिकोण बाद में प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। प्रकार्यवाद समाज के अंतर्गत भागों को देखने के लिए एक ऐसी सरलिक व्यवस्था या सरल दृष्टिकोण है जिसके निर्माण भागों के सामाजिक संबंधों में एक संरचना तथा एक वस्तुनिष्ठता होती है। इसमें जो प्रकार्यवाद है इसमें समाज में देखने के लिए एक दृष्टिकोण और एक वस्तुनिष्ठता होती है। यह एक ऐसी समाजशास्त्रीय परिषद है जो सामाजिक संस्कृति प्रतिमान की व्यवस्था दूसरे सामाजिक संस्कृति तत्वों संपूर्ण व्यवस्था के लिए उनके परिणामों के संबंध में खोजता है, अलग थलग ना मानकर उसे व्यवस्था के एक अंग के रूप में परखना चाहता है। ये जो भी सामाजिक में घटना होती है उसे अलग अलग नहीं रखना चाहता, उसमें कोई ना कोई समानता खोजता है प्रकार्यवाद। आजकल का उपगाम संरचना प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। जो आजकल का उपगाम है वो संरचना प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। समाजशास्त्र में उपगाम को प्रशिक्षण देने वाले में रॉबर्ट के मार्टन टॉलगट आदि विद्वानों ने विशेष भूमिका अदा की है। इस सिद्धांत को सबसे अधिक प्रश्नक आदि विद्वानों ने विशेष भूमिका दी है। डेविस तथा मूर ने स्त्रीकरण के प्रकार्यवाद विश्लेषण में किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1972 में छपा था फंसिंग ऑफ पार्टी, जो अमेरिकन जर्नल में था, और ये मार्क्सवादी सिद्धांत में भी प्रकार्यवाद के तत्वों को ढूंढ निकाला। ये विद्वान मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, विचारधाराएं और श्रमिक संघ जैसी सामाजिक रचना सत्य लक्षणों का जन्म ही उत्पादन संबंधों के कारण हुआ है, क्योंकि ये उत्पादन संबंधी को बनाए रखने में मदद करता है।
आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। ये इस उपगमार सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित है जिन पर उपगम टिका है। प्रकार्य, अकार्य, दुष्कार्य, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, प्रकट तथा प्रच्छन्न कार्य। थर्ड पॉइंट, बहुप्रकार कार्य। फोर्थ, प्रकार्य विकल्प प्रकार्यवाद समलुप प्रकार्यवाद अनुलुप। फिफ्थ पॉइंट, प्रकार्य पूर्व विशेषता है व्यवस्था की आवश्यकता है। सिक्स पॉइंट है समायोजन तथा एकीकरण। नेक्स्ट पैराग्राफ है प्रकार्यवाद परिचय कई अंतों में संघर्षवादी से भिन्न है। ये भिन्नता इन दोनों की अलग अलग मान्यताओं द्वारा प्रकट होती है। प्रकार्यवाद की प्रमुख मान्यताएं हैं कि समाज में अपेक्षा स्थिरता और संतुलन होता है। प्रकार्यवाद की जो ये विशेषता या मान्यताएं हैं इसमें संतुलन होता है और स्थिरता बनी रहती है, समाज में एक व्यवस्था होती है। थर्ड पॉइंट है समाज का प्रत्येक तत्व समाज के अस्तित्व के लिए योगदान देता है। इसमें यही है कि समाज का जो भी अंग है, धर्म, जाति, विवाह, संस्था, समूह, ये सभी समाज के लिए योगदान करता है। फोर्थ पॉइंट, समाज मानदंडों, मूल्यों व साक्षर नैतिक से चलता है और बंधा रहता है। इसके भी समाज के कुछ नियम होते हैं, वो अपने नियमों के द्वारा ही व्यक्तियों को कार्य करने के लिए बाध्य करता है। फिफ्थ पॉइंट है समाज में समाजगत मूल्यों द्वारा एकजुटता है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। प्रकार्यवाद की ये सभी मान्यताएं संघर्ष परिप्रेक्ष्य से लगभग उल्टी हैं, जिसमें परिवर्तन, असंतुलन, विचलन के सामाजिक व्यवस्था के नैकरिक लक्षण माने गए हैं। समाज में हम जो कुछ व्यवस्था देखते हैं वह तो भय और दबाव का परिणाम है, जिसमें सत्ता शक्ति की प्रमुख भूमिका होती है। इसका अर्थ है कि हम जो आज भी समाज में व्यवस्था देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ भय या दबाव पाया जाता है और उसमें किसी एक समुदाय या व्यक्ति के हाथ में हम शक्तियों का दुरुपयोग भी देखते हैं। सन 1960 में प्रकार्यवाद पर कई ढंग से तीव्रता से प्रहार किए गए। आलोचना के मुख्य बिंदुओं के रूप में कहा गया कि यह सिद्धांत समाजों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन, संरचना, विरोधाभासों और संघर्षों को महत्व नहीं देता, जो कि समाज में जो परिवर्तन होते हैं, विरोधाभास होते हैं, संघर्ष होते हैं, उनको महत्व नहीं देता, ये आलोचना की गई। यही नहीं, इसकी जैविक उपना ने इसे रूढ़िवादी बना दिया। इन आलोचनाओं के आधार पर प्रकार्यवादी सिद्धांत को मैत्रीवादी सिद्धांत कहने के फैशन का प्रचलन हुआ। वास्तव में आलोचना के उपयुक्त सभी बिंदु अन्य आरोप पूर्णतः सत्य नहीं है। जो भी इसकी आलोचना की गई है पूर्णतः सत्य नहीं है। सन 1970 और 1980 के दशक में घटनाओं की व्यवस्था और समाज की एक विचारधारा के रूप में प्रकार्यवाद का लोप ही हो गया। जो सन 1970 और 80 का जो दशक या ईयर था उसमें व्याख्या और समाज की एक विचारधारा के रूप में प्रकार्यवाद का लोप हो गया, किंतु पिछले कुछ वर्षों में इसे पूर्ण जीवित करने के लिए अच्छे प्रयास हुए। अमेरिका में जेफरसी अलेक्जेंडर, जर्मनी में निकोलस, ब्रिटेन ने मार्क्सवादी को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया गया। यही सभी प्रकार्यवादी व्याख्याओं को मानवीय क्रिया और उनके परिणामों को ऐतिहासिक पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए और उसे ऊपर उठाया गया। ये सन 1970 और 80 में बिल्कुल प्रकार्यवाद लगभग समाप्त होने की लाइन पर चला गया था, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके बाद भी बहुत प्रयास किए, जो कि जर्मनी के थे, ब्रिटेन के थे, जिनके द्वारा इसे फिर से ऊपर उठाया गया। दुर्खिम की सामाजिक तथा तथ्य की अवधारणा करते हैं। समाजशास्त्र का एक स्वतंत्र व विशिष्ट विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयास में निरंतर संघर्ष करने वाले विद्वानों में दुर्खिम सबसे प्रमुख है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र के लिए बहुत संघर्ष किया और अपने बहुत योगदान के द्वारा कार्य किया। कॉम्ट व हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों के विपरीत अपना मत था कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का केवल योग ही नहीं बल्कि एक स्वतंत्र विज्ञान है, और इसी कारण समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र भी सुनिश्चित व स्पष्ट होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र का ये केवल योग ही नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र विज्ञान है,
इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। दुर्खीम ने इसका अलग से कहीं उल्लेख नहीं किया है, फिर भी आपकी कृतिया से स्पष्ट है कि आप समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्यों को मानते हैं। दुर्खीम द्वारा जो है इसका वैसे विशेष उल्लेख नहीं था, किंतु हम समाजशास्त्रियों के द्वारा मानते हैं कि अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्यों को मानते हैं। दुर्खीम का स्पष्ट मत है कि समाजशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की वास्तविकता अध्ययन वस्तु है। दुर्खीम का यह मत भी था कि समाजशास्त्र मानवीय जितने भी सामाजिक तत्वों को मानते हैं, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता, क्योंकि समस्त मानवीय क्रियाओं में मानव की सभी क्रियाएं आ जाती है, उनसे उसका कोई भी अध्ययन नहीं होता, किंतु बल्कि जो है सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की वास्तविकता अध्ययन वस्तु है, क्योंकि सामाजिक जो तथ्य है वही उसकी वास्तविकता अध्ययन करता है। इसके अर्थ और विशेषताओं को जानना होगा। सामाजिक तथ्य की अवधारणा को अगर हमें समझना है तो इसका अर्थ और इसकी विशेषताओं को जानना होगा। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इमाइल दुर्खीन का जीवन परिचय। इससे पहले हमने अगस्त कॉम्ट फर्स्ट लेसन पढ़ा, दूसरे में हर्बर्ट स्पेंसर का जीवन परिचय पढ़ा, तीसरे में आज इमाइल दुर्खीन का पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इमाइल दुर्खीन का जो जन्म था वो 1858 में हुआ। ये एक फ्रांसीसी थे। समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीन का जन्म 1858 में हुआ, फ्रांस के एपिनल में हुआ था। पेरिस के में कुछ दिनों शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दुर्खीम जर्मनी चले गए और वहीं पर उन्होंने अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने पहले पेरिस में, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस में, अपनी शिक्षा पूरी की, फिर उसके बाद वो जर्मनी चले गए। उधर उन्होंने अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, संस्कृति मानवशास्त्र की अध्ययन किया और बोर्डलिस विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। इसके पश्चात आप पेरिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र शिक्षा के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके पहले ही उन्होंने 1893 में इसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी थी। आपके थीरिस का विषय था डे ला डिवीजन डू ट्रेवल सोशल, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसको हम आगे पढ़ेंगे, जो उन्होंने दिया है ना द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है और बीए की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। और अब हम पढ़ेंगे 1898 में दुर्खीम ने लैंड सोशलिक नामक समाजशास्त्र संबंधी एक पत्रिका प्रकाशित करने आरंभ की और स्वयं ही उसके संपादक रहे। 1917 में इस असाधारण प्रतिभा संपन्न समाजशास्त्री की मृत्यु हो गई। इनका जो जन्म था वो 1858 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1917 में हो गई इमाइल दुर्खीम की। इनके द्वारा कुछ विभिन्न ग्रंथ लिखे गए हैं। फर्स्ट था जो 1893 में डे ला डिवीजन डू ट्रेवल सोशल पेरिस में लिखा गया। सेकंड ले सोसाइड पेरिस 1897 में। थर्ड इस ले फॉर्मेस एलिमेंट्री 1912। फोर्थ एजुकेशन ऑफ सोसाइटी 1922। फिफ्थ सोशल एंड फिलोसफी 1924। ले एजुकेशन मोरल 1925। तो आइए पढ़ते हैं हम सामाजिक तथ्य का जो अर्थ है वो क्या बताया गया है इसमें। आज इसमें हम प्रकार्यवाद का संपूर्ण लेसन पढ़ने वाले हैं, तो इसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी वीडियो देखिए। इसके बाद आपको प्रकार्यवाद को जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम सामाजिक तथ्य का अर्थ। सामाजिक तथ्य की अवधारणा को स्पष्ट करने से पहले यह जान लेना जरूरी की तथ्यों को साधारण सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाता है। प्रत्येक समाज घटनाओं का एक विशिष्ट समूह होता है जो कि उन तथ्यों से विभिन्न होती है जिन अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान करते हैं। सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में कार्य करने, अनुभव करने के जो तरीके होते हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। सामाजिक तथ्य और साधारण तथ्यों में इसमें अंतर बताया गया है कि सामाजिक तथ्यों में व्यक्ति की चेतना से बाहर कार्य किए जाते हैं और इसमें दुर्खीम की सामाजिक की अवधारणा को इसके अर्थ में परिभाषित स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने तथा अनुभव करने के वो तरीके होते हैं
व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व बनाए रखने में उल्लेखनीय विशेषताएं बनाते हैं। इसमें यही बताया गया है कि जो सामाजिक तत्व होते हैं वो व्यक्ति के कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीकों में अंतर होता है। वो जब व्यक्ति की चेतना के बाहर भी उसमें वो कार्य करते हैं। इस प्रकार के विचार तथा व्यवहार व्यक्ति से भारी मात्र ही नहीं अपितु अपनी शक्ति के कारण वे व्यक्ति की इच्छा से स्वतंत्र अपने आप को लागू कर लेते हैं। दुर्किन के अनुसार सामाजिक तत्वों की श्रेणी में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके शामिल हैं। दुर्किन ने जो सामाजिक तत्वों को बताया है उसमें व्यक्ति के जो है कार्य करने, सोचने और उनकी योग्यताओं के आधार पर अनुभव करने के तरीकों को शामिल किया गया है, जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं और जो दबाव की शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। उपयुक्त परिभाषा से दो बातें स्पष्ट होती है। प्रथम, सामाजिक तथ्य कार्य चाहे वे संस्थान है या नहीं, सोचने तथा अनुभव करने के तरीके। दूसरे, तरीकों में व्यक्तिगत चेतना से बाहरी और दबाव की शक्ति होती है। इसमें यही है कि व्यक्ति जो भी कुछ समाज में रहकर सोचता है वह कार्य करता है, उसमें उस पर सामाजिक दबाव भी होता है, उसे ध्यान में रखकर वो कार्य करता है और सोचता है, और प्रथम अपनी योग्यता के आधार पर वो सोचता है। चाहे वह पूर्ण राजनैतिक सामाजिक हो या कोई धार्मिक समूह, राजनैतिक साहित्य व्यवस्थित इत्यादि हो। शक्ति का अर्थ है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। जब हम कोई ऐसी बात करना चाहते हैं परंतु दूसरे उसे पसंद नहीं करते तथा उसके कारण उसके करने की प्रशंसा करते हैं तो हम वह कार्य सामान्य रूप से नहीं करते, अर्थात तब दबाव महसूस होता है। तब जो है वो दबाव महसूस करता है जब वह किसी कार्य को करना चाहता है परंतु करके पता, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ऐसा नहीं चाहते। इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति जो है वो भारी दबाव के कारण भी उस कार्य को नहीं करता है जिसमें उसे पता होता है कि ये दूसरों के लिए अब तो गलत हो सकता है या उसके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए वह उस बात को ध्यान में रखकर उस कार्य को नहीं करता है। दुर्किन ने सामाजिक तथ्यों, परिभाषा और बच्चों के समाजीकरण उदाहरण ने स्पष्ट करते हैं। बच्चों की संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य उस पर देखने, अनुभव करने का कार्य करने के वे तरीके थोपना होता है जिन्हें वह स्वयं प्राप्त नहीं कर पाता। ये तरीके उसे शुरू में नियमित समय पर खाने पीने को बाध्य करते हैं। जैसे कोई भी बच्चा है, वो विद्यार्थी है, वो स्कूल जाता है, उसको उसके नियम पहले से तय होते हैं, वो इस समय स्कूल जाएगा, उसके लंच का टाइम होगा, तो इसमें भी उसके लिए शुरू से ही ये दबाव होने लगते हैं कि हमें बाहरी से ये कार्य करने हैं और इसके विरुद्ध नहीं जाना है। तो इसी प्रकार सामाजिक तथ्य उस पर व्यक्ति पर दबाव बनाए रखते हैं ताकि वह कोई ऐसा कार्य ना करें जो समाज के लिए, दूसरों के लिए विपरीत हों। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दुर्किन का कहना है कि एक विचार जो कि हम प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में पाते हैं, एक आंदोलन जो सब व्यक्तियों के द्वारा दोहराया जाता है, उसे सामाजिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। जो कि सामाजिक आंदोलन होता है उसे सामाजिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। यदि समाजशास्त्री इन विशेषताओं के माध्यम से उनकी व्यवस्था करते तो संतुष्ट हो गए हैं, तो इसका कारण यही है कि सामाजिक तथ्यों की व्यक्ति में प्रकट होने वाली आदतों से दुविधा में पड़ गए हैं। वास्तव में यह एक भ्रम मात्र है। इस प्रकार दुर्किन समाजशास्त्र के क्षेत्र को एक निश्चित रूप में परिभाषित एवं परिसीमित करते हैं। दुर्किन जो है वो समाजशास्त्र को एक निश्चित में बांध कर नहीं रखना चाहते, लेकिन वो एक सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में विचार करने पर बल देते हैं। अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के प्रथम अध्याय के अंत में दुर्किन सामाजिक तथ्यों की परिभाषा इन शब्दों में देते हैं। एक सामाजिक तथ्य काम करने का वह ढंग है जो निर्धारित अथवा अनिर्धारित है और जो व्यक्ति पर एक भारी दबाव डालने के योग्य है, और काम करने का वह तरीका होता है जो निर्दिष्ट समाज में सर्वप्रथम सामान्य है और साथ ही व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों के स्वतंत्र में अपना अस्तित्व में बनाए रखते हैं। इसमें यही बताया गया है इस पैराग्राफ में कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो समाज में देखकर, समाज के नियमों को देखकर वह कार्य करता है।
और अपने समूह के नियमों के अनुसार, समाज के नियमों के अनुसार जो कानून व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है या उसके रहने सहने में जो भी नियम है उसको देखकर वो कार्य करता है। सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं, सामाजिक तथ्यों की जो प्रमुख विशेषता है, फर्स्ट है काम करने की या सोचने की या अनुभव करने के तरीके। इसको हम जैसे कि पहले ही डीप में पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति के जो भी सामाजिक सोचने काम करने के तरीके होते हैं उसमें दोहराए जाने के कारण इसमें स्थायी आ जाता है और इसमें व्यक्ति को बाध्य होना पड़ता है कि बाहर से ये कार्य गलत तो नहीं है। सेकंड है बाध्यता। सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना के बाहर होते हैं, अर्थात इसका स्रोत व्यक्ति ना होकर समाज या समाज का कोई आंशिक समूह होता है, जैसे धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। इसको भी हम पढ़ चुके हैं कि सामाजिक तथ्य जो होता है वो व्यक्ति का कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो किसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर उन कार्यों को नहीं करता है, वो एक केवल समूह या संस्थाएँ को ध्यान में रखकर करता है, जैसे राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक, उनको ध्यान में रखकर कार्य करता है। थर्ड है दबाव या बाध्यता। सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहरी नहीं होती अपितु अपनी दबाव शक्ति के कारण शक्ति की इच्छा से स्वतंत्र व अपने आप को उस पर लागू करने की क्षमता रखते हैं। दबाव के गुण के कारण सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण भी करते हैं, क्योंकि व्यक्ति वह व्यवहार नहीं करता जो अन्य व्यक्ति उसमें नहीं चाहते। इसमें यही होता है कि व्यक्ति पर एक दबाव होता है, जो व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता जो कि समाज के लिए गलत हो। फोर्थ है सार्वभौमिक, फोर्थ पॉइंट है सार्वभौमिकता। सामाजिक तथ्यों में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्यों में वह तरीके सम्मिलित किए गए हैं जो समस्त समाजों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। सार्वभौमिकता में यही पढ़ा है कि इसमें सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्यों में वह तरीके सम्मिलित किए गए हैं जो समस्त समाजों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें यही है कि व्यक्तियों के अंदर कुछ गुण समान होते हैं जो कि वो समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक उत्पत्ति। दुर्खी में इस बात को भी पूर्ण स्पष्ट कर देते हैं कि सामाजिक तथ्यों का स्रोत चेतना नहीं अपितु सामूहिक चेतना होती है। इसमें यही है कि व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, इसमें सामूहिक चेतना होती है। वह जो भी कार्य करता है समाज को ध्यान में रखकर करता है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक ना हो और समाज के लिए गलत ना हो। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अपने सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए कई उदाहरण भी दिए हैं। विवाह, समाज में विवाह के प्रति लोग समान विचार रखते हैं। विवाह करने के लिए उचित आयु, एक समारोह कैसा दिखना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। इसमें जो है उन्होंने पहला उदाहरण दिया है विवाह का। विवाह में भी कुछ नियम होते हैं, जैसे उनकी कुछ आयु होती है और अपने समूह में विवाह करते हैं, इसके बारे में बताया गया। कुछ रीति रिवाज होते हैं और उसे खुशी के साथ मनाया जाता है। सेकंड बताया गया भाषा। एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग एक ही भाषा बोलते हैं, जैसे बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, इसके बारे में बताया गया है। विशेष क्षेत्र का हिस्सा होने के बावजूद पहचाने जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज धर्म। धर्म में होता सामाजिक तथ्य देखते हैं तो हम धर्म को कैसे देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक गढ़ है जिसमें विश्वास जीवन का एक नियमित हिस्सा होता है। अन्य धर्मों को विदेशी और अजीब माना जाता है। इसमें यही है कि हम जो अपने धर्म को मानते हैं उसको तो हम अच्छा समझते हैं, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं हम उन्हें अपना देश का ना समझकर विदेशी या बाहरी धर्मों का कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से एक नवीन जीवित वस्तु पानी का निर्माण होता है। पानी की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि ना ऑक्सीजन में है और ना ही हाइड्रोजन में। साधारण भौतिकता विधियों द्वारा पानी को विभाजित करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पृथक नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों की चेतना के विशेष संगठन को योग के बीच नवीन समूह चेतना विकास हो जाता है। इसी प्रकार जैसे इसमें पानी और ऑक्सीजन का उदाहरण दिया गया है कि जैसे पानी और ऑक्सीजन को जोड़कर, पानी और हाइड्रोजन को जोड़कर एक पानी बन जाता है, लेकिन पानी में से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो वो दोबारा अपनी फॉर्म में नहीं आ सकते हैं और उसमें वो पानी वाले गुण नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार इसमें सभी व्यक्तियों के जो धर्म है
उनको समान समझा गया है, वो अपनी अपनी जगह समान महत्व है। नेक्स्ट पैराग्राफ है व्यक्तिगत मानसिक सामूहिक मानसिक की अवधारणा में भिन्नता, डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव माइंड। सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं। इस बात की पुष्टि में दुर्खिम की प्रथम युक्ति है कि व्यक्तिगत मानसिक सामूहिक मानसिक की अवधारणाओं में भिन्नता पाई जाती है। एक समूह अपने सदस्यों से पृथक होने की स्थिति की अपेक्षा विभिन्न ढंग से विचार करता है, कार्य करता है और अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में समूह के विचार करने का ढंग व्यक्तिगत विचार के ढंग से अलग होता है। दुर्खिम ने लिखा है कि व्यक्तियों के मानसिक एक साथ सम्मिलित होकर एक नई तरह के मानसिक या मानसिक सुविधा को जन्म देते हैं। इसमें बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि जो व्यक्ति का माइंड होता है और जो समूह का माइंड होता है उसमें डिफरेंस पाई जाती है, क्योंकि जो एक अकेला व्यक्ति सोचता है उसके विचार अलग होते हैं और जो सभी लोग मिलकर सोचते हैं यूनिटी के साथ करते हैं उसमें विचार अलग पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है व्यक्तिगत और सामूहिक परिस्थिति में व्यक्ति के मनोभावों और व्यवहारों में भिन्नता। इसमें जो बताया गया है उसके परिस्थिति में व्यक्ति के मनोभावों व व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। दूसरी प्रकार की युक्ति जो कि दुर्खिम ने सामाजिक तत्वों की बाहरी को स्पष्ट करने में संबंध में दी गई है, यह सामूहिक परिस्थिति में मनोभावों और व्यवहारों में अनिवार्य के भिन्नता पाई जाती है। दूसरे शब्दों में सामूहिक परिस्थिति में व्यक्ति के मनोभावों में उदाहरण पाया गया उस प्रकार के नहीं रहते। उदाहरण के लिए एक भीड़ में एक व्यक्ति पृथक रीति से सोखता और अनुभव करता है। दुर्खिम का कहना है क्योंकि सामाजिक हमें बाहरी से प्रवृत्त करते हैं। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति होता है वो भीड़ में एक अलग सोचता है और अकेले में एक अलग वो अपना माइंड सेट यूज करता है। भीड़ में वो जो भी कार्य करता है वो भीड़ को देखकर करता है और उसको ध्यान में रखकर करता है, लेकिन अकेले में जो व्यक्ति सोचता है वो अपने माइंड सेट पूरी तरीके से अपने हिसाब से करता है। थर्ड पॉइंट है समाज घटनाओं के आंकड़ों की समानता। समाज में जो भी घटनाएं होती है जैसे अपराध, विवाह, आत्महत्या आदि के आंकड़ों में प्रतिवर्ष एक अनिश्चितता एकरूपता दिखाई देती है। इन आंकड़ों में या तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता या उनमें कोई परिवर्तन गति नहीं होती। इसमें बताया गया है कि समाज में जो घटनाएं होती है उनके आंकड़ों में एक समानता पाई जाती है, या तो उनमें कोई गति नहीं होती है या उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है प्राणी शास्त्र समानता। सामाजिक तथ्यों की भारिकता में दुर्खिम ने बताया गया है कि अपने विचार की शरीर की व्यवस्था प्रत्येक रूप से गोष्ठ व भानुकारों के आधार पर नहीं की जा सकती। शरीर के संबंध में वास्तविकता जानकारी करनी है तो समस्त गोष्ठ को वाहनिकनों आदि की सम्मिलित रूप में विवेचना करनी होगी। यद्यपि शरीर का निर्माण कोष्ठकों को मिलाकर ही होता है परंतु इन कोष्ठकों से बिल्कुल विभिन्न इनमें पूर्णतः स्वतंत्र है। व्यक्ति एक कोष्ठ के समान और इसलिए कोष्ठ भी भारतीय समाज के अधीन होता है। इसमें व्यक्ति का जो निर्माण है वो विभिन्न विभिन्न इकाइयों द्वारा हुआ है, उसी प्रकार समाज का भी निर्माण विभिन्न इकाइयों द्वारा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है बाध्यता, इसको जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बाध्यता का अर्थ होता है कि दूसरी प्रमुख विशेषता बताई गई है। इसमें सामाजिक तत्वों का निर्माण एक सदस्य द्वारा नहीं होता है बल्कि इसमें अनेक सदस्यों का योगदान होता है। समाज का जो निर्माण है वो एक व्यक्ति या तत्व द्वारा नहीं होता है, वो विभिन्न इकाइयों द्वारा होता है। दुर्खिम का मत है कि सामाजिक तथ्य केवल व्यक्ति के व्यवहार को ही नहीं उसके सोचने विचारने आदि के तरीकों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की अभिरुचि के अनुरूप बल्कि वो व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों में सामाजिक दबाव या बाध्यता इस विशेषता समझाने के लिए अनेक उदाहरण दिए कि अपने अनुसार समाज में प्राचीन प्रचलित अनेक सामाजिक तथ्य जैसे नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास सभी मनुष्य के व्यवहार व कार्य करने के तरीकों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। बाध्यता का नाम विशेषता को एक अन्य रूप में समझा जा सकता है, जैसे कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि सामाजिक सामूहिक चेतना क्या श्रेणी में आता है। सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतनाओं के अस्तित्व विशेषताओं को चेतना करती है। इसमें यह बताया गया है कि सामूहिक इच्छा के सम्मुख झुका देती है। इसमें व्यक्ति वो ये कि पहले अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है, उसको समूह को और समाज को देखकर रहकर ही कार्य करना पड़ता है। वो अगर यदि वो उनके विपरीत कार्य करेगा
तो उस कार्य को गलत समझा जाएगा और समाज विरोधी समझा जाएगा। सामाजिक घटना के अध्ययन के लिए नियम। सामाजिक जो घटना है उसके भी अपने नियम होते हैं। दुर्किम के अनुसार समाजशास्त्री को सामाजिक घटना का अध्ययन करते समय यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह उन वस्तुओं का तथ्यों की परिभाषा करे जिनका कि उसे अध्ययन करना है, जो उसके अध्ययन से संबंधित हैं। इसमें यह बताया गया है कि अगर हमें किसी भी समाजशास्त्री को अगर सामाजिक घटना का अध्ययन करना है तो वह केवल उसी का अध्ययन करे जिसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सामाजिक तथ्यों को वस्तु माना जाए। सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण के संबंध में दुर्किम के शब्दों में पहला और सबसे अधिक मौलिक नियम यह है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में विचार किया जाए। इसमें यह बताया गया है कि वस्तु के रूप में उन्हें कार्य किया जाए, अर्थात सामाजिक घटना या सामाजिक तथ्यों जो कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है, वस्तु के समान समझकर अध्ययन करना चाहिए। अभी भी दुर्किम के समय समाजशास्त्र वस्तुओं के रूप में मानने का दुर्किम का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं कि उनको एक विचार या अवधारणा न मानकर एक ऐसी चीज या वस्तु के रूप में देखा जाए जिसका अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल ही निर्भर रही है, जो बाहरी तौर पर देखी जा सकती है। दुर्किम के शब्दों में ज्ञान के वे सभी विषय वस्तु है जो कि केवल मानसिक क्रियाओं द्वारा नहीं जाने जा सकते, बल्कि उनके जानने के लिए हमें निरीक्षण और प्रयोग के मानसिक के आंकड़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। वस्तु के रूप में उनका केवल आश्रय यही नहीं है कि जिसे हम देख सकते हैं, उनका आश्रय यह है कि जिसको हम उसमें वस्तु के रूप में निरीक्षण और परीक्षण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूल्य। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूल्य। दुर्किम के अनुसार सामाजिक तत्वों का वस्तुओं के समान निरीक्षण करते समय वैज्ञानिक को अपने मस्तिष्क में विद्यमान सभी पूर्व धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ का अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि उपयुक्त वर्णन में कहा गया है कि सामाजिक तत्वों को वस्तु के रूप में समझना चाहिए, इसलिए सामाजिक तत्वों को भी निरीक्षण वस्तुता रूप में किया जाना चाहिए। कोई भी वस्तु जो हम देखते हैं तो उसे देखने से हम उसे पसंद या नापसंद करते हैं। इसी पसंद या नापसंद के आधार पर हमारे मानसिक में उस वस्तु के विषय में पूर्व विचार उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक तथ्यों के संबंध में पसंद या नापसंद या अन्य कोई विचार जिसमें पूर्ण विचार पूर्व धारणा भी सम्मिलित होती है हमारे मानसिक में जागरूक होती है। सेकेंड पॉइंट में यही बताया गया है कि उसमें कोई भी वस्तु को जैसे हम पसंद या नापसंद करते हैं या उसे देखने पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो उनकी धारणाओं को हम अपने अनुसार नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट जो है, ये कतिपय समान बाहरी विशेषताओं द्वारा पूर्व परिभाषित घटनाओं का है। दुर्किम ने प्रत्येक समाजशास्त्र अध्ययन की विषय सामग्री में कुछ सामान्य विशेषताओं द्वारा पूर्व परिभाषित घटनाओं का सामूहिक होना बताया, उन घटनाओं से संबंधित बताया है। यह बाहरी विशेषताओं से तात्पर्य उन विशेषताओं से जो बाहरी रूप में देखी जा सकती है, अर्थात एक वैज्ञानिक को निरीक्षण योग्य बनाती है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, जब हमें किसी सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करनी होती है तो उसके उत्पन्न करने वाले फलस्वरूप कारण ही उसे घटना के द्वारा पूरा किया जाने का प्रक्रिया अलग अलग खोजना चाहिए। इसमें कुछ नियम बताए गए हैं। एक सामाजिक तथ्य के निर्धारित करना पूर्वगामी सामाजिक तथ्यों में ही ढूंढना चाहिए, ना कि वैश्विक चेतना की अवस्था में। थर्ड है, किसी भी महत्व की सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रथम सामाजिक समूह की आंतरिक संरचना की खोज की जानी चाहिए। ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे दुर्किम का संविभाजन, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दुर्किम ने अपनी पुस्तक डी ला डिवीजन ड्यू ट्रेवल सोशल डिवीजन ऑफ लेयर में द्वितीय भाग में सामाजिक संविभाजन की अवधारणा को विकसित किया गया है। अपने इस विश्लेषण में दुर्किम ने समाज में संविभाजन के सामाजिक कारणों तथा परिणामों का वर्णन किया है। इसमें जो दुर्किम है उसने जो समाज में जो विभाजन है उनका वर्णन किया गया है। दुर्किम के अनुसार सबसे प्राचीन समाजों में संविभाजन स्त्री और पुरुष के भेदभाव पर आधारित था। संविभाजन का अर्थ
अर्थ जो होता है वो होता है कि काम का जो विभाजन किया जाता है। दुर्कीम में फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जो पहले सम विभाजन होता था वो स्त्री और पुरुष के भेदभाव में होता था और उनके अनुसार ही, जैसे कि पहले स्त्रियां घर का काम काज करती थी, बच्चों का पालन पोषण करती थी। और क्योंकि इस युग में आर्थिक कार्य अत्यधिक सीमित था, उत्पादन नाम मात्र का था, क्योंकि पहले बड़े बड़े उद्योग नहीं थे, कोई इतने कार्य नहीं थे, इसलिए सम विभाजन में स्त्रियों को कम कार्य दिया जाता था, उन्हें सिर्फ घर की चार दीवारियों में बंद कर कर रखा जाता था। इस कारण विशेषीकरण का भी कोई प्रश्न ना था। राजा पुजारी भी हो सकता था और शिकारी भी। इस प्रकार प्राचीन समाजों में आधुनिक अर्थों में कोई सम विभाजन और विशेषीकरण नहीं था। परंतु जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, वैसे वैसे ही आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलू विकसित हो गए, क्योंकि पहले समाज का कोई विकास नहीं था। जैसे जैसे समाज का विकास होने लगा, वैसे वैसे कार्यों में भी सम विभाजन होने लगा। साम्यवादिकता उस अवस्था को कहते हैं जबकि समाज की विभिन्न इकाइयों में कार्य को विभाजन होते हुए भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनमें अनंत संबंध या अनंत निर्भरता बनी रहती है। सम विभाजन ने इसी स्थिति को उत्पन्न कर दिया। इसमें बताया गया है कि साम्य भी एकता और अवस्था को कहते हैं। इसमें ये कि सम विभाजन होने के बाद भी उनमें एकता बनी रहती है और उनके जो कार्य है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग कर दिए जाते हैं, उनके कार्य योगदान के हिसाब से, योग्यता के हिसाब पर। फिर उन्होंने बताया कि सम विभाजन ने इस स्थिति को उत्पन्न कर दिया गया। फिर सम विभाजन कैसे पनपा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए दुर्कीम ने लिखा कि सम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या के घनत्व से है। प्राचीन समाज में जनसंख्या कम थी, इसलिए सामाजिक कार्य भी सीमित थे। इन्होंने इसमें बताया गया है कि सम विभाजन जो है वो कैसे आया, क्योंकि प्राचीन समाज में जनसंख्या बहुत कम होती थी, उनके कार्य भी सीमित होते थे। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, उनके कार्य भी बढ़ने लगे और सम विभाजन की प्रणाली को भी लागू करना अनिवार्य हो गया। सम विभाजन के सामाजिक परिणाम जो निकले उनको पढ़ते हैं। सम विभाजन के फलस्वरूप समाज में एकता संगठन पर आधारित विभिन्न सामाजिक कार्यों को, समाज की विभिन्न इकाइयों को आवश्यक, उनमें सामाजिक आवश्यकताओं के रूप में संबंध और निर्भरता रहती है। सेकंड पॉइंट है, सम विभाजन के फलस्वरूप विशेषीकरण हुआ। सम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य करता है। इसमें बताया गया है कि इन पॉइंटों में, कि फर्स्ट पॉइंट में तो उनके सम विभाजन के अनुसार उसमें कार्य को बांट दिया गया और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने लगा और व्यक्तिवादी भावनाओं को पनपाया और उन्होंने अलग अलग कार्य अनुभव तथा व्यक्ति होते थे। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सम विभाजन ने व्यक्ति को आधिकारिक स्वार्थी बना दिया, बल्कि इसके सम विभाजन ने उन्हें दूसरे के ऊपर निर्भर बनाकर दूसरों के लिए सोचने को मजबूर कर दिया। इसमें यही है कि सम विभाजन के तहत एक व्यक्ति जो कार्य करता है वो दूसरों के लिए भी जरूरी है, जो दूसरा व्यक्ति करता है वो पहले के लिए जरूरी है। सम विभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्तिगत गुण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व बढ़ गया। फिफ्थ पॉइंट है, सम विभाजन ने समाज को अनेक स्वार्थों समूहों, वैश्विक समूहों में बांट दिया, इसमें व्यक्ति का स्वार्थ भी बढ़ने लगा। सिक्स पॉइंट, दुर्कीम के अनुसार सम विभाजन एक गतिशील धारणा है, प्रगति के तत्व छिपे रहते हैं इसमें। सेवंथ है, यह सच है कि सम विभाजन समाज को विभिन्न स्वार्थों समूह विभाजित कर देती है, परंतु साथ ही सम विभाजन जीवित रहने के लिए भी संघर्ष को इस अर्थ में सरल बना देती है, क्योंकि जितना व्यक्ति संघर्ष करता है उतना ही उसे अच्छा समय मिलता है। सम विभाजन को विभिन्न सदस्यों और सुनुदेश दूसरे पर निर्भर कर देता है। नाइन्थ है, उपयोगितावादी विद्वान ने अनुसार सम विभाजन की प्रमुख उपयोगिता इस अधिक धन और उच्च जीवन प्राप्त करने की अभिलाषा की पूर्ति साधन के लिए बताया गया, परंतु दुर्कीम इस विचार से सहमत नहीं है। उनके अनुसार सम विभाजन एकमात्र उद्देश्य और परिणाम आर्थिक उत्पादन की वृद्धि है। सम विभाजन का व्यय
आधिकारिक रूप पैथोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें बताया गया है कि इसने अपनी पुस्तक डी ला डिवीजन ट्रेवल सोशल में लिखी है। यह पुस्तक तीन खंडों में व्यवस्थित है। प्रथम खंड में संविभाजन, द्वितीय में संविभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों के बारे में बताया, तृतीय खंड में संविभाजन के दुष्कार्यों के अर्थ बताया गया है कि उसमें कार्यों को किस प्रकार बताया गया है, उसका क्या परिणाम निकला। दुर्किम का मानना है कि संविभाजन के स्वरूप को समाज की कुछ हानि तो हो सकती है किंतु इसकी उपयोगिता अस्वीकार नहीं की जा सकती। दुर्किम का यह भी मत है कि इसमें संविभाजन के कारण समाज में कुछ हानि भी होती है लेकिन इसका होना भी जरूरी है। प्रत्येक सामाजिक घटना के दो पहलू होते हैं। संविभाजन एक सामाजिक घटना होते के नाते इसके दो पहलू है, सामान्य पहलू और असामान्य पहलू। सामान्य पहलू सामाजिक एकता पर आधारित है और दूसरा सामाजिक विघटन को जन्म देता है। इसके कुछ पॉइंट बताए गए। नियम शून्य संविभाजन। दुर्किम द्वारा वर्णित संविभाजन का यह वैधानिक आर्थिक वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समाज के साथ साथ अपना संबंध स्थापित करता है। वह अपेक्षा करता है कि समाज एक ऐसे सदस्यों का सहयोग उसे मिलता रहेगा और यह आशाएं अपेक्षा पूरी ना होने की स्थिति में व्यक्ति में निराशा विद्रोह की भावना जन्म लेती है। जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है समाज में, वह इस आशा से करता है कि उसे भी समाज से आगे ऐसे ही सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक क्षेत्र में नियम शून्य संविभाजन। इसमें बताया गया है कि आर्थिक क्षेत्र में घटित होने वाले नियम शून्य संविभाजन का अधिक संबंध औद्योगिक व्यवस्था से है। आर्थिक क्षेत्र में हम पहले ही जान चुके हैं कि आर्थिक का संबंध होता है उद्योगों और धंधों से है, जिसमें कि कुछ निर्माण होता है, व्यक्तिगत हित को पूरा किया जाता है, श्रमिकों की इच्छाओं अथवा सुविधाओं को नहीं। इसमें यही है कि जो पूंजीपति लोग होते हैं उनको ज़्यादा सब मिलता है, धन मिलता है, और जो श्रमिक लोग होते हैं उनको कम दिया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक क्षेत्र में नियम शून्य संविभाजन। विज्ञान के क्षेत्र में भी नियम शून्य संविभाजन कुछ अलग तरीके का है। यहाँ असंतोष की भावना नहीं है। पूर्व काल में ज्ञान विज्ञान को क्षेत्र सीमित था। ये विद्वान अनेक विषयों में पारंगत होता था, वह अनेक विषयों पर आधिकारिक बोलता था, किंतु समय परिवर्तन के साथ साथ ज्ञान एवं विज्ञान के संबंध में ज्ञान का संग्रह रखना कठिन हो गया। वर्तमान की जो स्थिति है यह हो गई है कि एक विषय की अंकों शाखाएं और एक विद्वान केवल एक शाखा के ज्ञान तक ही सीमित हो गया है। नियम शून्य संविभाजन पर टिप्पणी बताई गई है कि संविभाजन के क्षेत्र में नियम शून्य को दुर्किम संविभाजन कारण नहीं मानते। सामान्यतः जनमत यह धारणा व्यक्त होती है कि प्रत्येक कार्य अत्यंत कठिन होता है। व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण तमनिकता या संघर्ष के साथ कार्य करना पड़ता है। दुर्किम कॉम्स के दृष्टिकोण से सहमत प्राप्ति नहीं थे। दुर्किम लिखते हैं कि इकाइयों में संयोजन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो उससे सहमत नहीं थे। दुर्किम का यह मानना है कि समाज उत्पन्न होने वाले संविभाजन के कारण उत्पन्न नहीं होती। आरोपित अथवा बालकित संविभाजन। इसमें बताया गया कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य चाहता है। जब कुछ नियमों से रूढ़िवादी समाज लेकर व्यक्तियों को योग्यता से कम कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो व्यक्ति इस स्थिति का विरोध करता है। अर्थात किसी व्यक्ति को बलपूर्वक ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य करना जो उसकी क्षमता योग्यता का अपमान करता है। इसमें नेक्स्ट बताया गया है रेडक्लिफ के बारे में बताया गया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने दुर्किम का काफी प्रभाव था। दुर्किम की तरह ब्राउन ने भी समाज की संरचना विभिन्न संस्थाओं के महत्व पर बल दिया है। दुर्किम जो थे ये रेडक्लिफ ब्राउन को
रेडली ब्राउन ने दुर्खीम को बहुत सपोर्ट किया, प्रकारी की निरंतर के माध्यम से इस रचना की है और इसका भी अध्ययन शरीर तीन समाज समस्याओं को खड़ा किया है, रचना संरचना और शरीर स्वास्थ्य। आइए इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। ए आर रेडली ब्राउन का जन्म 17 जनवरी 1881 को इंग्लैंड में बहिमन स्पार्क बुक नामक स्थान पर हुआ। एल्फ्रेड केवल 5 वर्ष के ही थे, उनके पिता का निधन हो गया। परिवार का भरण पोषण करने के लिए माँ को नौकरी करनी पड़ी। रेडली ब्राउन का बचपन बहुत कठिनाइयों और संघर्षों के बीता। उनकी स्कूली शिक्षा बहिमन में हुई और बाद में अपने बड़े भाई का प्रोत्साहन पाकर उन्होंने बहिमन विश्वविद्यालय में प्री मेडिकल किया। उन्होंने ट्रिकनर कॉलेज में नैतिक विज्ञान का अध्ययन किया। 1909 में उन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की। 1910 में ब्राउन पूर्ण क्षेत्रीय शोध कार्य किए और 1918 में शेष ब्रिगेड जाने के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाना पड़ा। सन 1920 में उन्होंने कैप्टन काउन विश्वविद्यालय में सामाजिक नृत्यशास्त्र की प्रथम पीठ अध्ययन नियुक्त किया। 24 अक्टूबर 1955 को उनकी मृत्यु हो गई। अब इनके कुछ पुस्तकें हैं जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। एडम स्लैंड द सोशल ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन इन नेचर साइंस ऑफ सोसाइटी। इन्होंने प्रकारवाद की जो आलोचना की है, समाज शास्त्र में प्रकारवाद का परिचय करने का श्रेय जीवन विज्ञान आविष्कार और डार्विन की खोज के आधार पर हार्डवर्ड स्पेंसर को है। इन्होंने जिस रूप में मानव शास्त्री उसे प्रस्तुत करते हैं उनके अनुसार प्रकारवाद में अपनी कुछ उल्लेखनीय कमियां हैं। इसलिए आधुनिक समाज शास्त्र में जिस प्रकारवाद को हम देखते हैं वे केवल प्रकारवाद ना होकर संरचना प्रकारवाद के रूप में है, संरचना से पृथक करके नहीं। फर्स्ट पॉइंट है, समार्थिंग का कथन है प्रकारवाद का यह विश्वास गलत है कि सामाजिक संरचना की सभी इकाइयों का कोई ना कोई उपयोगी संरचनात्मक कार्य पाया जाता है। यह हो सकता है कि कुछ इकाइयां प्रकार्य के स्थान पर आ कार्य करती हैं। इनके भी दुर्खीम के अनुसार ये पॉइंट बताए गए हैं। एक कार्य को सभी समाजों में लागू करने की गलती की है। सभी समाजों में अलग अलग नियम होते हैं तो इसको एक सभी समाजों में लागू नहीं किया जा सकता। मार्टिन का कथन था कि प्रकारवाद का दृष्टिकोण बेभरोसेपूर्ण है और यह अल्टरनेटिव है। प्रकारवाद का उल्लेख दोष है और इन्होंने इसमें तुलनात्मक अध्ययन का बताया गया है क्योंकि दो इकाइयों की तुलना की जा सकती है। इसमें इन्होंने प्रकारवाद को जो व्यवस्था है उसमें दोषपूर्ण बताया गया है। इसमें प्रकारवाद विश्लेषण एक सामाजिक घटना आवश्यकता ही स्पष्ट करता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है रेडली ब्राउन का संरचनात्मक प्रकारवाद दृष्टिकोण, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खी मार्टिन, पर्सनिंग लिवी आदि ने यह मत व्यक्त किया है कि सामाजिक संरचना सामाजिक प्रकार एक दूसरे से न केवल संबंधित है अपितु एक दूसरे पर निर्भर भी है। इन्होंने बताया गया है कि सामाजिक संरचना सामाजिक प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है और निर्भर भी है। दृष्टिकोण के आधार पर भी हमारा यह शरीर, हाथ, पैर, आंख, नाक विभिन्न रूपों का केवल एक ढेर मात्र नहीं है, अपितु इन सबका एक व्यवस्थित रूप शरीर सव्य भी है और उसी को शरीर का सव्य संरचना कहा जाता है। इस सत्य को हम कभी परिचित नहीं कर सकते। पैर, नाक आदि का अपना अपना एक स्थान होता है। इन्होंने भी शरीर के द्वारा ही समाज में उनका वर्णन किया गया है। संरचनात्मक प्रकारवाद दृष्टिकोण है, इसमें भी शरीर के बारे में बताया गया है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि शरीर की तुलना कैसे समाज के साथ की गई है। इन दोनों के विचारों में स्माइल कूले प्रभावित थे। इसी प्रकार कूले ने बताया, रेडली ब्राउन का विश्वास है कि फ्रांस में दुर्खीम ने अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में विचारधारा का एक ठोस रूप दिया है। दुर्खीम के मत अनुसार घटनाओं की व्याख्या दो प्रकार से अध्ययन होती है,
एक फंक्शनल प्रकार्यवाद और दूसरा कारणवाद कॉजल अपने समाज में पाई जाने वाली सामग्रिक एकता है ऑर्गेनिक है। गुरखीव ने बताया गया है कि समाज में जो घटना होती है प्रकार्यवाद होती है या फिर कारणवाद होती है। संरचना क्या है इसके बारे में बताया, समाज कोई अखंड व्यवस्था नहीं है, इसके अनेक अंग होते हैं अर्थात अनेक इकाइयों के योगदान से समाज का निर्माण होता है, इसके बारे में बताया गया है। और इसका वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ने वाले इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमने कंप्लीट लेसन पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, तो इसके प्रश्न उत्तर के बारे में आपको जो भी प्रश्न होंगे सभी इस पैराग्राफ में इसे मिल जाएंगे जो जो हमने पढ़े हैं। फर्स्ट जो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन है दो अंकों के क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक समानता पर आधारित होता है एक सिद्धांत जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समाज एक ऐसी संगठित एवं व्यवस्था है जिसमें विरोधी परिवेश की स्थिति में भी संतुलन बना रहता है। प्रकार्यवाद के बारे में हम यह पढ़ चुके हैं कि समाज में विरोधाभास में भी संतुलन बना रहता है। इमाइल दुर्खीम का जीवन परिचय में हम पढ़ चुके हैं, उनका जन्म 1898 फ्रांस में हुआ था। दो नंबर क्वेश्चन में आपको सिर्फ तीन चार लाइन ही लिख सकते हो कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई है, उन्होंने किस क्षेत्र में अपना ज़्यादा योगदान दिया गया। थर्ड क्वेश्चन इज सामाजिक तथ्यों का अर्थ बताइए। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य कार्य करने सोचने अनुभव करने के तरीकों को कहा गया है। जो भी हम कार्य करते हैं सोचते हैं और अनुभव करते हैं उसको जिसमें व्यक्ति की चेतना से बाहर अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। इसमें व्यक्ति की जो चेतना होती है उससे बाहर भी जो कार्य करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इस सामाजिक तथ्यों की विशेषता के संदर्भ में बाहरता का क्या अभिप्राय है। बाध्यता का अर्थ होता है कि सामाजिक घटनाओं तथ्यों का निर्माण तो समाज के सदस्यों द्वारा ही होता है, किंतु सामाजिक तथ्य एक बार विकसित हो जाने के पश्चात फिर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहता। इसमें जो होता है ना ये सामाजिक तथ्य एक बार विकसित सामाजिक जो तथ्य है उसका विकास तो व्यक्तियों के द्वारा ही होता है, किंतु एक बार विकसित हो जाने के बाद वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, वो समूह के रूप में होता है। फिफ्थ क्वेश्चन एक सामाजिक तथ्यों की विशेषता के संदर्भ में बाध्यता की आप क्या समझते हैं। दुर्खीम का मत है कि सामाजिक तथ्य केवल व्यक्ति के व्यवहार को ही नहीं बल्कि उसके सोचने विचारने आदि के तरीकों को भी गंभीरता रूप से प्रभावित करता है। 6.8 क्वेश्चन इस दुर्खीम ने सामाजिक घटना के अध्ययन के लिए क्या नियम बताए हैं। सामाजिक तथ्यों को वस्तु माना जाए, सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन किया जाए, कुछ सामान्य बाहरी विशेषताओं द्वारा पूर्व परिभाषित घटनाओं का समूह होना चाहिए। इनको हम डीप में पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस समविभाजन कैसे पनपा, इसको भी पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है ऐसे ऐसे ही बड़े बड़े उद्योग और कारखाने में कार्य बढ़ने लगा जिसके कारण स्त्री और पुरुष को भी समान कार्य मिलने लगा। क्वेश्चन नंबर 8 इस समविभाजन क्या है, इसमें व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य करता है, इसे विशेषीकरण भी कहते हैं। समविभाजन क्या है, व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य करता है और इसको समविभाजन भी कहा जाता है। 1920 में उन्हें केपटाउन विश्वविद्यालय में, अभी यह क्वेश्चन 9 है रेडली ब्राउन का जीवन परिचय, इसमें भी यही लाइनें लिखनी है। बस उसका जन्म का दुआ कर ये 2 मार्क्स में आता है, उनका जन्म और उनकी मृत्यु और उनके द्वारा किए गए योगदान में समाज के द्वारा समाज में। क्वेश्चन नंबर 10 इस रेडली ब्राउन के संरचनात्मक प्रकार्यवाद के दृष्टिकोण को समझाइए। इनको भी हम पहले जो डीप में पढ़ चुके हैं, इसमें फलस्वरूप संरचना आस्तिक संबंध होता है और उसके किसी अंग को संरचना प्रकार्य के संबंध में समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है संरचना क्या है, संक्षेप में संरचना से तात्पर्य विभिन्न अंगों तत्वों की किसी प्रकार की कर्मिक व्यवस्था। संरचना होती है वो कर्म के आधार पर संबंध व्यवस्था होती है। क्वेश्चन 12 प्रकार्य किसे कहते हैं, प्रकार्य से तात्पर्य विभिन्न निर्माणिक इकाइयों की व्यवस्था द्वारा निर्धारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन क्रियाओं में जो कार्य निरंतर जो बनाए कार्य किए जाते हैं।
प्रकारी कहलाते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज को देखकर अपने नियमों के अनुसार कार्य करता है। 16 नंबर के क्वेश्चन है 1 to 8, इनको हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर आपको इसमें पहले ही मिल जाएंगे जो जो हमने पढ़ा है पूरा लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकार्यवाद की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। सेकंड है दुर्खियों की सामाजिक तथ्य की अवधारणा। थर्ड इस सामाजिक तथ्य से आप क्या समझते हैं और विशेषताएं। फोर्थ दुर्खीम द्वारा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए बनाए गए नियमों पर प्रकाश डालिए। फिफ्थ समविभाजन के सामाजिक परिणामों पर प्रकाश डालिए। सिक्स इज रेडली ब्राउन के प्रकार्यवाद। सेवन्थ इज रेडली ब्राउन के सात्मक। एट इज संरचना और प्रकार्यवाद के अर्थ को समझाइए। और ये आज का हमारा प्रकार्यवाद का लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर इसमें कुछ नहीं आएगा। हमने जितने भी पैराग्राफ पढ़े हैं उसके बारे में डीप में पढ़ा है कि सामाजिक तथ्य है, इसमें जो है दुर्खिम के अनुसार हमने जो पढ़ा है, और इसमें जो रेडली ब्राउन के द्वारा हमने पढ़ा है, इनको आप डीप में कर लेना एक बार। ये वीडियो एक दो बार आप ज़रूर सुनना, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आंसर ये पैराग्राफ से याद हो जाए। इसमें जो जो हेडिंग है वो पैराग्राफ की, वही आपके ऐसी कैसी क्वेश्चन आते हैं। ये बीए के फिफ्थ सेम के लिए आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे पहले हमने दो चैप्टर करा दिए गए हैं, उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और एजुकेशन शेयर जो है वो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें वीडियो को। और आपका कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड वी विल ड्रॉप अ आंसर फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।